अनुरीति ज्योतिष केंद्र कुंडली पार्ट 12 में आपका स्वागत है। आज हम इस पार्ट में वृषभ लग्न में मारक कारक और समग्रह देखेंगे। कुंडली में 12 राशियां हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। इसके अलावा जो आपका गुरु है वो धनु और मीन राशि का स्वामी है, शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। तो ये 12 राशियों के हिसाब से। इसके अलावा इस पार्ट में हम वृषभ लग्न क्या है, मारक कारक और समग्रह क्या होते हैं, इसके अलावा जो मित्र हैं सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र हैं, शुक्र शनि राहु केतु आपस में मित्र हैं, बुध सबका मित्र है चंद्र और मंगल का छोड़ के, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस वाले कौन सा लग्न है ये वृषभ लग्न के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दूं। वृषभ लग्न वाले होते बहुत शांत हैं, लेकिन गुस्सा आने पर फिर ये शांत नहीं रहते हैं, सौम्य होते हैं, ठहराव होते हैं, जॉब्स को बहुत जल्दी बदलते नहीं हैं। इसके अलावा ये भोजन के शौकीन होते हैं, बदलाव पसंद नहीं करते हैं। तो वृषभ लग्न की ये कुछ खूबियां होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले वही कहानी जो आपका पहला चौथा सात और आपका दसवां घर, ये आपके केंद्र हैं। पहला, इसके अलावा आपका पांचवा और आपका नवा, ये आपके त्रिकोण हैं। इसके अलावा जो 6, 8, 12 त्रिक है ये पराक्रम का घर है और ये छोटी मोटी बीमारियों का घर है। द्वादश अष्टम थ्योरी, लग्न का मित्र तो मित्र दूसरा घर, सातवां घर शत्रु तो शत्रु, मित्र तो मित्र। तो सबसे पहले लग्न दो नंबर लिख रहा हूं, तो वृषभ लग्न दो नंबर राशि है शुक्र की, तो शुक्र यहां पर सीधा सीधा कारक, ठीक है। तो शुक्र को आप काहे में लिख लें, कारक में लिख लें, ये शुक्र कारक हो गया। अब जो इससे दूसरा घर है, दूसरा घर मतलब तीसरी राशि, तीसरी राशि मतलब हो गई आपकी मिथुन की राशि, मिथुन की राशि यानी बुध राशि, बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो सीधा इसको क्या लिखना है यहां पर आपको, बुध को भी काहे में लिखना है, मित्र में लिखना है। तो समय ये आपका क्लियर हो गया। एक और इसका इसको ये त्रिकोण भी मिला हुआ है। इसके अलावा जो तीसरा घर है, तीसरा घर पराक्रम का घर है, मेहनत वाला घर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, चंद्रमा। तो यहाँ पर हम चंद्रमा को काहे में लेंगे, चंद्रमा को यहाँ पर लीजिए आप मारक में, ठीक है, क्योंकि पराक्रम के घर में बैठा हुआ है, ठीक। प्लस ये लग्न का भी मित्र नहीं है। इसके अलावा जो आपका चौथा घर है, चौथे घर में आपका सूर्य है, सूर्य यहाँ पर चौथा घर, इसको केंद्र मिला है, लेकिन ये लग्न का शत्रु है, तो लग्न का शत्रु होने की वजह से यहाँ पर आपको शुक्र को डालना पड़ेगा सम्य। मैंने पहले ही बताया कि अगर लग्न का शत्रु है और केंद्र में है तो उसको सम्य डालिए, मित्र है तो उसको आप फिर कारक में डालिए। फिर आपका ये जो पांचवा घर है, पांचवे घर में छठी राशि यानी कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, चूंकि बुध को हम पहले लिख चुके हैं तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सातवीं राशि यानी कौन सी होती है, सातवीं राशि होती है यानी तुला राशि यानी शुक्र, शुक्र तो ऑलरेडी हम उसको कारक में लिख चुके हैं। इसके अलावा जो आठवीं राशि मंगल और शुक्र आपस में क्या है, मंगल और आपका शुक्र आपस में शत्रु है, तो मंगल को क्या लिखना है यहाँ पर आपको, मारक में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आठवां घर है, ये द्वादश अष्टम थ्योरी के हिसाब से ये शत्रु तो शत्रु। इसके अलावा जो आठवां घर है, आठवें घर में देखिए नवी राशि यानी धनु राशि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। देखिए ये तो हो गया आपका क्या, त्रिक भाव, और ये भी क्या है आपका, मेहनत वाला घर है, मेहनत वाला घर बोल रहा हूँ, ये भी आपकी छोटी मोटी बीमारियों का घर है, इसलिए हमें यहाँ पर जो गुरु को लिखना पड़ेगा उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, गुरु को लिखना पड़ेगा मारक में लिखना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा इसमें एक और क्या बच गया, एक और जो चीज बच रही, चंद्र मंगल हो गया, शुक्र हो गया, शुक्र बुध हो गया, अब शनि देखना है। शनि चूंकि यहाँ पर क्या है, त्रिकोण में है, तो शनि यहाँ पर सीधा सीधा त्रिकोण है, केंद्र है, तो शनि लग्न में शनि को हमें क्या लिखना है, कारक लिखना है। क्लियर हो गया चीज, तो यह चीज अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, आपका कुंडली का 70% यहीं पर कहानी समझ में आने लगेगी। तो ये आपका वृषभ लग्न में बेसिकली इतनी चीजें होती हैं। वृषभ लग्न को एक बार फिर ब्रीफली समझा दूं आपको, वृषभ लग्न वाले बहुत शांत होते हैं, गुस्सा आने पर रुकते नहीं है,
बदलाव पसंद नहीं करते, धरती से जुड़े लोग होते हैं। 12 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। इसके अलावा जो आपका मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध, कर्क चंद्र राशि का स्वामी है, सिंह सूर्य राशि का स्वामी है, शनि मकर और कुंभ का स्वामी है, धनु और मीन आपके गुरु गुरु यानी बृहस्पति के स्वामी है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। कुंडली के 12 भाव में 1, 4, 7 और 10 आपका बेसिकली क्या होता है, केंद्र होते हैं। 1, 5, 9 आपके त्रिकोण होते हैं। 6, 8, 12 आपका त्रिक भाव होता है, जो आपका तीसरा घर होता है, पराक्रम का घर होता है, जो आपका 11वां घर होता है, छोटी मोटी बीमारियों का घर होता है। इसके अलावा बुध सबका मित्र है, चंद्र और मंगल का छोड़ के। इसके अलावा सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं, शुक्र, शनि, राहु आपस में मित्र हैं, लेकिन इन चारों के आपस में मित्रता नहीं है। इनको हम देव ग्रह मानते हैं और इनको हम राक्षस ग्रह भी मानते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से दो अलग अलग कैटेगरी होती है। इसके अलावा हम इसमें हम फिर मारक कारक की वही थ्योरी, लग्न है, जो भी लग्न है उसको आपको सीधा कारक लिखना है, त्रिकोण है उनको सीधा आपको कारक लिखना है। लग्न का अगर दूसरा और सातवां घर मित्र है तो मित्र में डालना है, शत्रु में है तो शत्रु में डालना है। इसके अलावा तीसरा घर पराक्रम का घर अकेला है, अकेली राशि मिली है तो पराक्रम के घर को हम वैसे भी अच्छा नहीं मानते, तो उसको हमें हमने चंद्र को मारक में लिखा है। इसके अलावा चौथा घर, चौथा घर सूर्य का घर है, सूर्य और शुक्र की शत्रुता है और ये केंद्र में है, केंद्र में होने के बावजूद भी हमें शुक्र को इसको सब में डालना, शुक्र को नहीं सॉरी, यहां पर आपका क्या डालेगा, सूर्य को, ठीक है। तो सूर्य को आपको कहाँ डालना पड़ेगा, सब में डालना पड़ेगा, ठीक। मैंने बोला होगा सूर्य, लिख शुक्र दिया था वहां पर, शुक्र इसलिए। इसके अलावा आपका देखिए ये बुध, बुध तो आपका वे ऑलरेडी हम इसको कारक में लिख चुके थे। इसके अलावा सातवां, सातवां यानी शुक्र ये खुद लग्न में है तो ऑलरेडी एक राशि है वहां पर। इसके अलावा आठवां, आठवां यानी मंगल, मंगल को एक घर ये मिला है, मंगल को दूसरा घर ये मिला है। चूंकि ये द्वादश अष्टम थ्योरी के हिसाब से लग्न का शत्रु है, इस कारण इसको हमें शत्रु में डालना पड़ेगा, तो हमने इसको शत्रु में लिखा। इसके अलावा गुरु को मिला एक त्रिकोण और एक मिला छोटी मोटी बीमारियों का, तो ये दोनों चीज अच्छी नहीं है, तो ये भी यहाँ पर यहाँ अच्छा नहीं, गुरु भी यहाँ पर हमें मारक में लेना पड़ेगा। शनि, शनि चूंकि एक इसको मिला है केंद्र और शनि इसको मिला एक आपका त्रिकोण, तो ये ऑलरेडी काहे में आ जाएगा आपका, शनि को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, कारक में लेना पड़ेगा। तो शुक्र, बुध, शनि इसमें कारक है, सूर्य सम है, चंद्र, मंगल, गुरु इसमें मारक है। तो इस लग्न को हम जब भी देखेंगे तो आपको यही देखना है, प्रडिक्शन करना है, तो बेसिकली ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये था आपका वृषभ लग्न में मारक, कारक और सम ग्रह। इससे रिलेटेड कोई परेशानी मुझे आप व्हाट्सएप करें, कुछ समझ नहीं आया मुझे व्हाट्सएप करें, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको जितना ज्यादा ये पहुंचेगा उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत गलत जानकारियां भी पूरे नेट में और हर जगह पहुंचाई जा रही है कि मारक सम ग्रह को भी कई बार कारक बता दिया जाता है, कई बार मारक को भी सम में ले आते हैं, तो वो कैटेगरी बिल्कुल वो बहुत ही गलत चीज होगी कुंडली प्रोडक्शन में आपके लिए। ये बेसिक लघु पारासर के हिसाब से मैं आपको ये पूरे एक एक टू द पॉइंट चीजें समझा रहा हूँ, जो उसमें लिखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बिल्कुल उसके हिसाब से सही है, क्योंकि जो चीजें हैं वो एज इट इज हमेशा रहती हैं। तो ये था आपका कुंडली का पार्ट 12। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।